हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लाई हूँ ये स्वेटर का डिज़ाइन, जिसे आप बच्चों के लिए या बड़ों के लिए जेंट्स स्वेटर बना के तैयार कर सकते हैं। देखें, इसका हर्ट डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, इसे बनाना भी काफ़ी इजी है। आए देखें ये किस तरह से बनता है। मेरा ये वीडियो देखने से पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहले आप चैन बनाएंगे। चैन आप लंबाई के हिसाब से लेंगे। देखें, ये मैंने इतनी लंबी चैन बना के तैयार करी है। अब हम देखें, चैन बनाने के बाद हम यहाँ से दूसरा कलर ऐड करेंगे। तीन चैन बनाएंगे, एक दो तीन, और देखें यहाँ से इस तरह से। इसमें से फंदा लेंगे, तीन बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखें, इसी जो हमने चैन ली, इसी के अंदर से तीन बार डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पे तीन चैन लेंगे, एक दो तीन। तीन चैन लेने के बाद देखें यहाँ से काउंट करेंगे, छह चैन काउंट करेंगे। एक दो तीन चार पाँच छः, छः चैन पे लाके इस तरह से यहाँ पे फंदा निकालेंगे और इसी में पांच बार डबल क्रोशिया बना के तैयार करेंगे। देखें, एक इसी के अंदर से चार बार और बनाएंगे डबल क्रोशिया, दो तीन चार और पाँच। देखिए, पहले वाले में हमने यहाँ तीन बार डबल क्रोशिया बनाया है। अब यहाँ हम बीचों बीच जितनी बार बनाएंगे, पाँच पाँच बार डबल क्रोशिया छः छः चैन गिनने के बाद बनाते हुए आगे जाएंगे। अब यहाँ पे हम तीन चैन बनाएंगे, एक दो तीन, आगे आएंगे। देखें, यहाँ से छः चैन गिनेंगे, एक दो तीन चार पाँच और छः, छः चैन में आएंगे इस तरह से। यहाँ पे लाके फंदा निकालेंगे और इसके अंदर पांच बार डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी में। देखें, एक बार, दो, तीन, चार और पांच। इस तरह से पांच बार डबल क्रोशिया बना लिया हमने। देखें, इस तरह से हमारा बनके तैयार हुआ है। तीन चैन लेंगे, एक दो तीन। अब यहां से छह चैन गिनेंगे, एक दो तीन चार पांच छ, छ छ छठी चैन में आके इस तरह से इसके अंदर पांच बार डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक
दो, तीन, चार और पांच। तीन चैन लेंगे। अब देखिए यहां से छह चैन गिनेंगे, एक दो तीन चार पांच छह, छठे में लाके इस तरह से एक दो तीन चार और पांच। इस तरह से बना लिया, तीन चैन बनाएंगे, एक दो तीन। आगे देखें यहाँ छह चैन पे, एक दो तीन चार पांच छह। आखिरी चैन में यहाँ छठे चैन पे इस तरह से तीन बार आखिरी में डबल क्रोशिया बना के तैयार करेंगे, एक दो और तीन। इस तरह हमारा बनके तैयार हो गया है। देखें अब देखें हम यहाँ पे इस कलर के उनको छोड़ देंगे, ये लेंगे इसे ऐड करेंगे इसमें। देखें इस तरह से दो चैन बनाएंगे, इस तरह पलट देंगे, इस तरह लेंगे फंदा। अब देखें यहाँ से ये जो हमने चैन बनाई थी इसके बीचों बीच दो फंदों के बीच में से हम फंदा उठाएंगे। देखें यहाँ से एक और ये दो बीचों के बीच जो हमारी चैन है इसमें से इस तरह से फंदा उठाएंगे। सिंगल फंदा बांधेंगे और डबल और फिर डबल। इस तरह बनके तैयार हो गया है। एक चैन लेंगे और देखें इसके आगे वाली चैन में से एक फंदा इस तरह से उठाएंगे। और सिंगल फंदा बांधेंगे फिर डबल और फिर डबल। इस तरह हमारा बनके तैयार हो गया है। दो चैन बनाएंगे और देखें जो हमने पांच बार डबल क्रोशिया बनाया था, एक दो तीन यहाँ से गिनेंगे, एक दो तीन, तीसरे में आके इस तरह से बांध देंगे सिंगल क्रोशिया से। दो चैन लेंगे, आगे आएंगे इस तरह से ले लेंगे फंदा और देखें ये जो हमारे दो चैन के बीचों बीच हैं इन दोनों चैनों में से इस जैसे हमने यहाँ बनाया इस तरह यहाँ बनाएंगे। इसमें से एक फंदा उठाएंगे इस तरह से और सिंगल फंदा बांधा, डबल और फिर डबल। एक चैन ले लेंगे और आगे इसमें से भी इसी तरह से फंदा उठाएंगे, सिंगल डबल और डबल। दो चैन लेंगे, आगे देखें यहाँ से काउंट करेंगे, एक दो तीन, एक दो तीन, तीसरे में ला के इस तरह से बांध देंगे। दो चैन लेंगे, इसी तरह आगे आएंगे, ये बीचों बीच हमारे जो दो चैन हैं इसमें से फंदा उठाएंगे। सिंगल बांधा, डबल और फिर डबल फंदा बांध के एक चैन लेंगे और आगे वाला भी चैन में से इसी तरह निकाल के सिंगल डबल और डबल फंदा बांधते हुए आगे आएंगे। दो चैन लेंगे, देखें ऐसे काउंट करेंगे, एक दो तीन, तीसरे में लाएंगे इस तरह से बांध देंगे।
सिंगल क्रोशिया से। इसी तरह हम बाकी एंड तक जाएंगे। इसी तरह बनाने के बाद दिखाती हूँ मैं। और यहाँ दो चैन लेके इस तरह से हम यहाँ पे बांध देंगे। इसे यहीं छोड़ देंगे। अब देखें, यहाँ से देखें, ये वाला हम उठाएंगे फंदा। तीन चैन बनाएंगे इसकी, एक दो तीन। और देखिए ये जो हमने बनाया है, इसके बीचों बीच से इस तरह से फंदा निकालेंगे और इसी के बीचों बीच में से पांच बार, जैसे हमने यहाँ पांच बार डबल क्रोशिया बनाया था, इसी तरह इसके बीच में से पांच बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए दो तीन चार पांच, इस तरह से पांच बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। तीन चैन बनाएंगे, आगे आएंगे, देखें इसमें इसमें भी इसी तरह से पांच बार डबल क्रोशिया बना के तैयार करेंगे, एक दो और ये तीन चार पांच। पांच बार बनाने के बाद तीन चैन लेंगे, आगे वाले में आएंगे, देखें इसमें पांच बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन चार और पांच, तीन चैन इसमें बनाएंगे, एक दो तीन चार और पांच, तीन चैन आगे। इसमें देखें ये हमारा लास्ट वाला बच्चा है, इसमें भी इसी तरह से पांच बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन चार और ये पांच, तीन चैन बना के देखें यहाँ पर। इस तरह से फंदा लेंगे, हमारा इतना इस तरह से तैयार हो गया है। देखें ये फंदा ऐड करेंगे व्हाइट वाला, तरह से इस तरह घुमाएंगे। देखें यहां से एक दो चैन लेके, और ये जो हमारा ये और ये है, इन दोनों को इस तरह से इकट्ठे उठा लेंगे फंदा।
और देखें ऐसे पहले सिंगल फंदा बांधेंगे और डबल और फिर डबल। इस तरह से हमारा बनके रेडी हो गया है। दो चेन लेके देखें यहाँ से काउंट करेंगे, एक दो तीन, तीसरे में ला के इस तरह से बांध देंगे, दो चेन बनाएंगे। देखें यहाँ पे आएंगे, इसको और इसको इकट्ठे बांधेंगे इस तरह से, सिंगल फंदा बांधा, फिर डबल और फिर डबल। एक चेन लेंगे, देखें ये जो हमने है बीचों बीच बांधा था, एक इधर और एक इधर से इस तरह से फंदा उठाएंगे, सिंगल फंदा बांधा, फिर डबल और फिर डबल। दो चेन लेके आगे आएंगे, देखें यहाँ से एक दो तीन, तीसरे में लाके बांध देंगे, दो चेन लेंगे, आगे आएंगे, देखें ये जो है इसके इधर और इधर दोनों तरफ से एक एक फंदा उठा के बांधेंगे इस तरह से, सिंगल बांधा, डबल और फिर डबल। एक चेन लेंगे और अब देखें यहाँ से उठाएंगे फंदा और इस तरह से बांध के आगे आएंगे, दो चेन लेके एक दो तीन, तीसरे में काउंट करेंगे इसमें इस तरह से बांध देंगे, दो चेन लेके आगे आएंगे, इसी तरह हम रिपीट करते हुए एंड तक जाएंगे। इस तरह से आखिरी में, यहाँ से आखिरी में इस तरह से फंदा उठाएंगे और यहाँ भी इस तरह से ही बांध देंगे। देखें हमारी ये लाइन भी इस तरह से कंप्लीट हो गई है। अब देखें यहाँ से हम इसे यहीं छोड़ देंगे। अब यहाँ से ये फंदा उठाएंगे, ये कलर का ऊन, इस तरह घूमेंगे और देखें यहाँ पे एक दो तीन चैन बनाएंगे और इसमें इस तरह से तीन बार डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक दो तीन, तीन चैन लेंगे, आगे इसमें आएंगे, पांच बार डबल क्रोशिया बनाएंगे इसमें, एक तीन चार पाँच, तीन चैन लेंगे और देखें इसमें आगे इसमें आएंगे, पांच बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच, तीन चैन और इसमें भी इसी तरह पांच बार डबल क्रोशिया, एक दो तीन चार और पांच, तीन चैन। पांच बार इसमें भी डबल क्रोशिया,
तीन चैन लेके देखें, आखिरी वाले में आएंगे, इसमें तीन बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो और ये तीन। अब देखें ये वाली हम ये जो है इसको इसमें ऐड करेंगे, इसे उठाएंगे फंदे को और इसमें इस तरह से फंदा बांध देंगे। देखें इस तरह से घूमेंगे और जैसे हमने ये जो लाइन बनाई है इसे इस तरह से फिर से हम यहाँ रिपीट करेंगे। दो चैन बना ली हमने। अब देखें ये जो है इसको इसके बीच में से इस तरह बांधेंगे, सिंगल फंदा फिर डबल और फिर डबल फंदा बांधते हुए आगे आएंगे, एक चैन और इस तरह से ये पूरी लाइन हम इसी तरह बनाएंगे। दो चैन लेके आप यहाँ बनाएंगे, बांधेंगे और दो चैन लेंगे और फिर देखें ये इन दोनों के बीच में इस तरह से बांधेंगे, एक चैन लेके और देखें इस तरह से। तो फ्रेंड्स ये हमारा डिज़ाइन इसी तरह रिपीट होता जा रहा है। देखें देखिए इस तरह से हमारा बनके तैयार हो गया है। बैक और फ्रंट देखिए दोनों सेम है। इस तरह आप ये रिपीट बाय रिपीट करते जाएं, पहले इससे बनाएं फिर इससे बनाएं, तो ये आपका इस तरह से डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। देखिए हमने इतना डिज़ाइन पहले से बना के रखा हुआ है, ये हमने बना के दिखाया है आपको इस तरह से। देखें ये इसका फ्रंट और ये बैक साइड सेम है, आप इसे कहीं से भी पहन सकते हैं। फ्रेंड्स अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स भी करें कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। बेल आइकॉन दबाएँ जिससे हम अपनी वीडियो आप तक पहुँचाते रहें। Thanks for watching this video. Bye friends.